वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स पी एस एम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पी एस एम क्लासेस कक्षा दस विषय भौतिकी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बहुविकल्पीय प्रश्न ठीक है तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की अब एक सीरीज़ आएगी जो इसमें हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है इसमें आपको एक एक वन मार्क के सभी क्वेश्चन जो है वन बाई वन एक एक करके सीरीज में मिलेंगे तो सबसे पहले आ, मैंने फिजिक्स को स्टार्ट किया है तो फिजिक्स में जो है पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा सही नहीं है तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है तो देखिए पहला हमें दिया गया है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है दूसरा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये कथन तो सही है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है ये भी सही है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ये भी ठीक है तो इसका मतलब ऑप्शन चार प्रकाश अनुधैर्य तरंग है तो प्रकाश अनुधैर्य तरंग है ये कथन हमारा क्या है गलत है तो इस क्वेश्चन फर्स्ट के हिसाब से जो है हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ऑप्शन डी प्रकाश कैसी तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है तरंग नहीं है मतलब जब प्रकाश किसी दिशा में आगे चलता है तो प्रकाश जिस दिशा में संचरण करता है जो कण होते हैं माध्यम के वो उसके लंबवत दिशा में गति करते हैं ठीक है थेके? तो प्रकाश कैसी तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत ठीक है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं कि समतल द्वारा निर्मित समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है आवर्धन मतलब कि जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम देख रहे हैं तो उसका आकार में कितना परिवर्तन हुआ तो समतल दर्पण हमें उस वस्तु का आकार उतना ही दिखाता है जितनी बड़ी वो वस्तु होती है तो आवर्धन इसके लिए कितना होता है एक तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कैसा होगा तो वह दर्पण कैसा होता है अवतल दर्पण होता है इसका मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ये दो हज़ार सत्रह में हमसे पूछा गया है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति होगी तो अगर किसी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी हो सीधा हो तथा आवर्धित हो आवर्धित का मतलब पहले से बड़ा हो तो वस्तु की स्थिति जो है वो कहाँ पर होगी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी ठीक है कहाँ पर फोकस सॉरी ध्रुव तथा फोकस पर होगी कहाँ पर ध्रुव व फोकस के बीच होगी ऐसा ही क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये एन सी का क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बढ़ा पाया गया किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बिंब से बढ़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए तो पहला जो हमने क्वेश्चन देखा है फाइव उसमें भी आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब की बात कर रहा था अवतल दर्पण में यहाँ पर भी प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा है मतलब आवर्धित है तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन किसी दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने बीस सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दस सेंटीमीटर है के सामने हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब पर बनेगा? तो अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो और इसकी दुगनी दूरी पर हम कोई वस्तु रखें तो उसका जो, उसका जो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा ठीक है कहाँ पर दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा क्योंकि आप जानते हैं कि आर बराबर होता है कितना टू एफ ठीक है आर क्या होती है वक्रता त्रिज्या होती है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा चलिए क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट में हमें दिया गया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बीस सेंटीमीटर है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बीस सेंटीमीटर है इसकी फोकस दूरी होगी तो अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो इसका फोकस जो होता है अगर इस अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसका फोकस जो है वो कहाँ होता है बाई ओर और बाई ओर हम चिन्ह परिपाटी के हिसाब से फोकस दूरी को माइनस में रखते हैं तो और आर बराबर होता है किसके टू एफ़ के तो यहाँ से आप लिख सकते हो एफ़ बराबर होगा आर बाई टू के तो हमें वक्रता त्रिज्या बीस सेंटीमीटर दी गई है तो फोकस कितना हो जाएगा टेन सेंटीमीटर लेकिन माइनस में तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या बत्तीस सेंटीमीटर तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उसमें वक्रता त्रिज्या बत्तीस सेंटीमीटर दी गई है तो फोकस जो है वो कहाँ बनता है दाई ओर मतलब लेंस के दाईं ओर इसका फोकस होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा प्लस में होगा दाई ओर बाई ओर माइनस में होगा तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो कितनी होगी फोकस दूरी सोलह सेंटीमीटर किस दृष्टि क्षेत्र किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है तो हमसे पूछा गया किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है समतल दर्पण का उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का, का या उत्तल लेंस का तो इसका ऑप्शन है बी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो तो दर्पण कैसा होगा अगर किसी दर्पण से हम कितनी भी दूरी पर खड़े हों और उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बने तो या तो दर्पण समतल होना चाहिए या उत्तल होना चाहिए ओके चलिए ये क्वेश्चन जो है ये एन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो दो में पूछा गया है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है उत्तल दर्पण से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है आभासी और सीधा आभासी और सीधा तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तेरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो हज़ार ग्यारह बारह तेरह चौदह सोलह उन्नीस बीस कई साल लगातार पूछा गया एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दस सेंटीमीटर है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो मैंने आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है किसके दो एफ के फोकस दूरी दस सेंटीमीटर है तो दस गुना दो कितना हो जाएगा बीस सेंटीमीटर तो ऑप्शन क्या होगा बीस सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए हमें चार ऑप्शन दिया है लेंस के फोकस पर फोकस लेंस से दो एफ दूरी पर एफ़ तथा दो एफ़ के बीच और दो एफ से अनंत के बीच तो अगर हमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को हम कहाँ रखते हैं फोकस तथा टू एफ मतलब एफ़ तथा दो एफ़ के बीच रखते हैं अब कांच का अपवर्तनांक किस अधिकतम होता है किसके लिए बैंगनी रंग के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में अभिष्ट संबंध है तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आर बराबर दो एफ मतलब फोकस दूरी का दुगना तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी तो अपवर्तित करण विचलित होगी कितना आई माइनस आर जब माध्यम परिवर्तित होता है तो आपतन कोण आई से आर जो है वो क्या हो जाता है कुछ कम हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो विचलन होगा विचलन कितना होगा आई माइनस आर तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन होगा कितना जीरो डिग्री अगर सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लम्बवत पड़ती है तो अपवर्तन कितना होता है जीरो डिग्री यहाँ पर प्रकाश की चाल जो हो क्या होती है समान होती है तो कोई भी अपवर्तन नहीं होता निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त तो नहीं किया जा सकता तो लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस पंद्रह सेंटीमीटर हैं दर्पण का लेंस संभवतः है तो गोलीय दर्पण और पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस पंद्रह माइनस पंद्रह का मतलब फोकस जो है वो किस ओर है बाई और, और बाई ओर जो है वो फोकस किसके लिए होता है अवतल लेंस के लिए होता है तो दोनों जो लेंस होंगे वो कैसे होंगे अवतल होंगे लेंस और दर्पण दोनों जो है कैसे होंगे अवतल होंगे ओके सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आई होप कि फिजिक्स uh, का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा इसमें हमने ऑप्शनल ट्वेंटी क्वेश्चन को डिस्कस किया है इसके आगे भी हम ट्वेंटी क्वेश्चन इसी चैप्टर से पार्ट टू में डिस्कस करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बने रहें पी क्लासेस के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू हैवे नाइस डे